अन्नपूर्णा सदा पूर्णा, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे, भिक्षाम देहि च पार्वती। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज शुक्रवार की रात मैं आपके लिए लाई हूँ अन्नपूर्णा स्तोत्र। बंधुओं, अन्नपूर्णा स्तोत्र श्री शंकराचार्य द्वारा लिखा गया एक अपूर्व स्तोत्र है, जिसके नित्य पाठ से कभी अन्नधन की कमी नहीं रहती। बंधुओं, अन्नपूर्णा स्तोत्र का जो मनुष्य रोजाना पाठ करते हैं, गिरिराज कुमारी पार्वती प्रसन्न होकर धन धन्य से अपने भगत को परिपूर्ण कर देती हैं। जो मनुष्य सहज में थोड़े परिश्रम से ही अपने दुख दारिद्र्य का अंत देखना चाहते हैं, वह जगन माता श्री अन्नपूर्णा देवी की आराधना को ही सर्वोपरि मान रोजाना अन्नपूर्णा स्तोत्र को सुने। ऐसा करने से मनुष्य का दुखदायक जीवन सुखदायक हो जाता है और उसका जीवन एक सात्विक जीवन बन जाता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ अन्नपूर्णा जरूर लिखें। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। सिंदूर अरुण विग्रह श्री नयनाम माणिक्य मौली स्फुरत, तारा नायक शेखराम स्मित मुखी मापीन बक्षोरुहा, पानी भ्याम मली पूरन रतन चषकम, रक्त उत्पलम विभ्रतिम सौम्याम रतन घटस्थ, रक्त चरणान ध्याये परा अंबिका। हे माता अन्नपूर्णे, तुम सदा आनंद करने वाली हो, तुम्हारे हाथ में निरंतर वर और अभय रहते हैं, तुम सुंदरता रूप रत्नों की खान हो, तुम अपने भक्तों के समस्त पाप नाश करके उन्हें पवित्र कर देती हो, तुम ही सबकी ईश्वरी प्रत्यक्ष महेश्वरी हो, तुमने ही गिरिराज हिमालय के वंश को पवित्र किया था, मैया तुम ही काशीपुरी की महारानी हो, तुम ही संपूर्ण संसार के तय अन्नपूर्णा हो, अतः सब की माता भी तुम हो, सो कृपा कर मुझे भी भिक्षा दो। हे भगवती अन्नपूर्णे, तुम्ही अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा विचित्र आभूषण धारी हो, तुम्हारा शरीर स्वर्ण आडंबर से अलंकृत है, तुम्हारे उरुज दो कुंभों के मध्य का भाग हृदय में लंबायमान मुक्ताहार से सुशोभित है, तुमने अपने शरीर को कुमकुम और अगर आदि सुगंधित द्रव्यों से कांतिमान करा है, तुम ही काशीपुरी की अधीश्वरी हो, कृपा करके मुझे भिक्षा दो। हे माता, योगी पुरुषों के योग के द्वारा तुम ही आनंद देती हो, अपने भक्त जनों के शत्रुओं का नाश करती हो, हे मैया धर्म और धन के साधन में भी तुम ही सहायता करती हो, अतएव उन कार्यों में दृढ़ निष्ठा करती हो, तुम्हारा तेज चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाशित है, तुम अपनी पूर्ण शक्ति से त्रिलोकी की रक्षा करती हो, अपने भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करके उनके निमित्त संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हो, हे काशीपुराधीश्वरी तुम मुझे भी भिक्षा दो। हे देवी, तुमने कैलाश पर्वत की कंदराओं में अपना स्थान बनाया, तुम ही गौरी उमा और शंकरी हो, तुम ही कौमारी और निगमों के अर्थ करने वाली हो, तुम ही ओमकार स्वरूप बीजाक्षर वाली हो। हे भगवती, मोक्ष मार्ग के कपाट खोलने में केवल एक तुम ही समर्थ हो, हे काशीपुराधीश्वरी मुझे भिक्षा दो। हे अन्नपूर्णे, तुम संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म जीवों को भोजन दान कर उनको सब प्रकार शक्तियों से सुसंपन्न करने वाली हो, यह निखिल ब्रह्मांड तुम्हारे उदर भाण में स्थित है, तुम ही अपनी शक्ति द्वारा संपूर्ण चराचर को सबकीय कार्यों में प्रवृत्त करती हो, ज्ञान रूप दीपक की शाखा हो, तुम्ही अपनी विशेष चातुरी से श्रीमान विश्वनाथ भगवान के मन को संतुष्ट करती हो, अतएव काशीपुरी की तुम्ही अधीश्वरी हो, मुझे भिक्षा प्रदान करो। हे ईश्वरी, तुम्ही भूमि के उपस्थित संपूर्ण जन समुदाय की ईश्वरी हो,
तुम्हें ऐश्वर्य संपन्न और अन्न धन से भरपूर हुई अन्नपूर्णा माता हो। तुम्हारे केश नीले वर्ण से शोभा पाते हैं और हे परमेश्वरी तुम्हें सबको अन्नदान देती हो। तुम सदा आनंद और शुभ दशा करने वाली हो। हे काशीपुराधीश्वरी मुझे भी भिक्षा प्रदान करो। हे परमेश्वरी दीक्षित होकर संसार में जो शिक्षा प्रदान करते हैं इन सब का तुमने ही उपदेश किया है। तुमने ही महादेव के तीन भावों का विधान किया है। स्वर्ग मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकों में अपनी माया से परमेश्वरी प्रतीत होती हो। तुम ही लोक में गंगा यमुना और सरस्वती होकर प्रवाहित हो रही हो। जिस वस्तु का कभी नाश ना हो ऐसी मोक्ष रूपा वस्तु की देने वाली भी तुम ही हो। अभिलाषी पुरुषों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली भी तुम हो। हे माता तुम अपने भक्त जनों की उन्नति करती हो। हे काशी पुराधीश्वरी हे अन्नपूर्णेश्वरी माँ मुझे भिक्षा दान करो। हे महामाए तुम देवी हो। तुम्हारा शरीर विचित्र रत्नों के आभूषणों से अलंकृत है। तुम ही सती रूप से दक्ष प्रजापति के घर उत्पन्न होकर दक्षायनी कहलाई हो। तुम स्वाभाविक सुंदरी हो। तुम सब जगत की माता इस कारण अपने स्तनों का मधु दुग्धपान कराके हित साधन करती हो। तुम सबकी महा ईश्वरी हो। शुभ दशा की प्रवृत्ति करती हो। अतएव मुझे भिक्षा दान करो। हे भगवती तुम करोड़ों चंद्रमा असंख्य सूर्य और अनगिनत अग्नि समान हो। तुम्हारे आनंद की अपार छवि मानो चंद्रमा की किरणों को धारण करती है। तुमने सूर्य चंद्रमा और अग्नि के तुल्य दीप्यमान कुंडल धारण किए हैं। चंद्रमा और सूर्य के समान तुम्हारा उज्जवल वर्ण है। हे मात तुमने अपने एक एक हाथ में क्रम से माला पुस्तक पाश और अंकुश को धारण किया है। अतएव तुम ही मुझे भिक्षा दान दो। हे माता तुम ही अपने छत्र का आश्रय लेकर सब की रक्षा करती हो। सबको अभय दान देती हो। इसी से तुम सब की माता हो। तुम ही कृपा की सागर रूपा हो। अतएव साक्षात मोक्ष पद की देने वाली हो। तुम सदा सबका मंगल विधान करती हो। निखिल पालन पोषण करने वाले श्री महादेव जी की शिव वृद्धि करने वाली भी तुम ही हो। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विघ्न करके उसे रोधन करने वाली तुम ही हो। हे माता तुम ही सबको आरोग्य प्रदान करती हो। हे माता तुम ही भिक्षा प्रदान करो। हे अन्नपूर्णे तुम समस्त सौभाग्यों से सदा भरपूर हो। हे माता तुम ही कल्याण करता महादेव जी की प्राणों के समान प्यारी हो। हे पार्वती ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए मुझे भी भिक्षा प्रदान करो। मैं केवल यही चाहता हूँ कि गिरिराज कुमारी पार्वती मेरी माता महाप्रभु शिव जी महाराज मेरे पिता महादेव जी के अनन्य भक्त मेरे बंधु बांधव हैं। तीन लोग मेरे स्वदेश हैं। ऐसा ज्ञान सदा मेरे हृदय में दृढ़ भाव से स्थित रहे। इति श्री अन्नपूर्णा देवी स्तोत्र संपूर्णम। राधे राधे जय श्री कृष्णा। बंधुओं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।